महात्मा गांधी एंड माय फादर वर ऑफ अ डिफरेंट ओपिनियन। सुभाष चंद्र बोस की बेटी ने महात्मा गांधी को लेकर कंगना रनौत के दावों का दे दिया तगड़ा जवाब। एक्ट्रेस की फिर हुई किरकिरी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी है अनीता बोस। उन्होंने अपने पिता और महात्मा गांधी के संबंधों पर अपने विचार रखे हैं। अनीता ने बुधवार को इंडिया टुडे से बातचीत में कहा कि नेताजी और महात्मा गांधी के बीच एक जटिल रिश्ता था। उनके मुताबिक ऐसा इसलिए था क्योंकि गांधी जी को लगता था कि वो नेताजी को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। बीते हफ्ते एक्ट्रेस कंगना रनौत ने कहा था कि महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस का समर्थन नहीं किया था, वे नेताजी को अंग्रेजों को सौंपने के लिए तैयार थे। इंडिया टुडे ने कंगना के इस बयान को लेकर ही अनीता बोस से बात की। इस बातचीत में जर्मनी में रह रही अनीता ने कहा, मैं ऐसी घटनाओं के बारे में नहीं जानती हूँ, अब ये चर्चा करना सही नहीं है। मुझे लगता है कि सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और आज़ादी के लिए लड़ने वाले लाखों गुमनाम लोगों ने आज़ादी दिलाने में योगदान दिया था। महात्मा गांधी और मेरे पिता के बीच एक जटिल रिश्ता था। गांधी जी को लगता था कि वे मेरे पिता को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अनीता बोस ने इंडिया टुडे से बातचीत में ये भी बताया कि उनके पिता गांधी जी का बहुत सम्मान करते थे और उनके बड़े प्रशंसक थे। उन्होंने कहा, मैं ये भी महसूस करती हूँ कि मेरे पिता गांधी जी के बहुत बड़े प्रशंसक थे। वो हमेशा ये जानने को उत्सुक रहते थे कि उनके काम पर महात्मा गांधी की क्या प्रतिक्रिया आई है। वे जानना चाहते थे कि जर्मनी में दिए उनके भाषणों और उनके आंदोलन को लेकर गांधी जी ने क्या कहा है। इसलिए ये कहना कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे बिल्कुल एक तरफा विचार है। अनीता बोस ने गांधी जी और नेताजी के संबंधों को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए ये भी कहा कि इन दोनों नेताओं का मकसद एक था, लेकिन इनके विचार एक जैसे नहीं थे। उन्होंने कहा, वे दोनों आज़ादी पाने के मकसद के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ इसे हासिल करने के तरीके को लेकर दोनों एक दूसरे के विचारों से सहमत नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस के अनुसार स्वतंत्रता केवल अहिंसा के चलते ही नहीं मिली, इसे पाने में नेताजी और गांधी जी दोनों की ही भूमिका महत्वपूर्ण थी और इसे बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता। इंडिया टुडे से बातचीत में उन्होंने कहा, वे दोनों ही महान नायक थे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, इनमें से कोई एक ये लड़ाई नहीं लड़ सकता था। हालांकि कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने लंबे समय तक ये दावा किया कि केवल एक अहिंसक नीति से भारत ने आज़ादी पाई, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सभी जानते हैं कि नेताजी और INA की कार्रवाइयों ने भी भारत की आज़ादी में योगदान दिया था। हालांकि ये कहना भी नासमझी होगी कि सिर्फ नेताजी और उनकी आज़ाद हिंद फौज ने हमें आज़ादी दिलाई। कंगना रनौत के बेतुके बयान पर लोग भी तरह तरह के रिएक्शंस देते नजर आ रहे हैं। एक यूजर कंगना के बारे में लिखते हैं, कहीं पढ़ा था कि कुछ ड्रग्स ऐसे भी होते हैं जो लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं, शायद कंगना उनमें से कुछ ओरिजिनल माल ले रही होगी। एक अन्य यूजर ने मामले पर कंगना पर तंज कसते हुए लिखा, सस्ती लोकप्रियता की भूखी है कंगना। एक अन्य यूजर ने मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, नेताजी ने खुद गांधी जी को राष्ट्रपिता शब्द से एड्रेस किया था, ऐसा रिश्ता था दोनों महानायकों के बीच। आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि हर जरूरी अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।